फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। मैं जो है सभी जो एस्पिरेंट है, जो जॉब ओरिएंटेड है, जो बंदे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब अपीयर कर रहे हैं, मैं तमाम उन सारे लोगों को सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड टू सक्सेस में। आज जो टॉपिक मैं डिस्कशन करने वाला हूं या जो शेयर करने वाला हूं, दैट इज़ द रीजनिंग पार्ट टू। मैंने रीजनिंग का जो पार्ट वन आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये जो पार्ट टू आज मैं कवर करूँगा, ये हमारा जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट का जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम्स है, उसमें मोस्ट जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, मैं वो तमाम क्वेश्चन को आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ और डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने जो 20 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूँगा, हो सकता है उसमें एग्जैक्टली एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाए या एक आधा एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उस पैटर्न में आपको मिल जाएंगे। तो ये रीजनिंग जो क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मतलब ये होता है पार्ट होता है हमारा एग्ज़ाम का, और एक वाइटल पार्ट भी है। बहुत सारे बच्चे जो रीजनिंग पार्ट में बहुत सारा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि एक तो टाइम शॉर्टेज होता है, दूसरी बात जो पैटर्न इसमें सबसे बड़ी चीज़ें जो है वो पैटर्न को फाइंड आउट करना, और पैटर्न को गैस नहीं कर पाते हैं ठीक से, मतलब उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए मेरा तमाम जो व्यूअर्स है या जो जॉब ओरिएंटेड जो बच्चे हैं, सबसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप सबसे पहले जैसे नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो पहले उसका पैटर्न को जज कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, जैसे कि व्हिच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 2, 3, 10। यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, ये जो सीरीज है 1, 2, 3, 10 दिया हुआ है। देखो यहाँ तक तो पहले समझ आया, 1, 2, 3 तक तो पहले समझ आया कि ये इसका डिफरेंस जो है इन बिटवीन जो टर्म्स है उसमें 1-1 है, बट जहाँ से 3 से 10 को जंप किया वहाँ उसका जो डिफरेंसेस जो है गड़बड़ा गया, मतलब ये इसका सेम डिफरेंस में अभी नहीं है, तो इसका पैटर्न जो है कुछ अलग है। तो चलिए इसका पैटर्न को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है, जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, दैट इज 1। तो सेकेंड टर्म कैसे हुआ, सेकेंड टर्म कैसे हुआ, ये 1 स्क्वायर प्लस 1, देखिए तो 2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म कैसे निकला, यहाँ पे देखिए तो थर्ड टर्म जो निकला वो है जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन है, ये है सेकेंड टर्म आपका, सेकेंड टर्म का स्क्वायर इट इज माइनस वन, होने से कितना होता है 3 होता है। तो इसका पैटर्न देखिए कैसे हुआ, जो सेकेंड टर्म में कैसे हुआ ना, फर्स्ट जो टर्म का स्क्वायर प्लस वन हुआ, थर्ड टर्म हमने निकाला कैसे हुआ ना, वो सेकेंड टर्म का हमने स्क्वायर निकाला माइनस वन कर दिया। तो अभी इसका फोर्थ टर्म देखिए, जो 10 है इसका जो फोर्थ टर्म क्या है, अभी थर्ड टर्म का हमने स्क्वायर निकालना है प्लस, यहाँ देखिए यह माइनस था, जब हम थर्ड टर्म में हमने प्लस किया, सेकंड में माइनस किया, फोर्थ में क्या होगा, प्लस होगा। ये जो थर्ड टर्म जो है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आगे, मतलब 10 तक आगे, जो फोर्थ टर्म तक हमको निकालना कौन सा है, फिफ्थ टर्म है उसको निकालना है। तो फिफ्थ टर्म आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो पैटर्न क्या है, सेकंड में फर्स्ट वाला का स्क्वायर हुआ और उसके साथ प्लस वन किया गया, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का स्क्वायर हुआ माइनस वन हुआ, फिर फोर्थ में ये प्लस हो गया, तो अभी जो फिफ्थ में आएगा वो माइनस वन ही होगा, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म जो होगा कैसे होगा, फिफ्थ टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होगा, देखिए फोर्थ टर्म हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सेकंड में प्लस हुआ, उसके बाद थर्ड में माइनस हुआ, फोर्थ में प्लस हुआ, तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर जो हो गया 100, ये 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, जो राइट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक सीरीज है 1, 2, 3, 10, एक नॉर्मल सा लग रहा है देखने में, बट देखिए इसमें पैटर्न को आप जज कीजिए, कौन सी पैटर्न में
जो है इसका सोल्यूशन हमने निकाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, क्योंकि वहाँ टाइम एक तो कम मिलता है, जितना जो ड्यूरेशन मिलता है एग्ज़ाम का वो हमें थोड़ा कम पड़ता है। इसलिए आप लोगों को जो रीजनल और मेंटल एबिलिटी के जितने भी जो क्वेश्चंस है, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, तुम्हारा जो सिमिलर पेयर हो, चाहे रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप के ऊपर भी होता है, तो इनको आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीना पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको दिमाग में जो है तुरंत वो सारी चीज़ आ जाए। ठीक है, 2-3 महीना जो पहले आप दिमाग में बैठा लो हर चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग या जो व्यूअर्स मेरा चैनल में नए हैं, उन तमाम व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर एक कमेंट जो है, एक कमेंट, लाइक, शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आपका जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को भी कुछ मतलब हेल्प इनसे मिल जाए, ये मेरा उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट द लेटर सीरीज व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स। यहाँ पे देखिए एक लेटर सीरीज दिया गया है, यहाँ पे ये जो है ये देख सकते हैं आप, एक लेटर सीरीज जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसको देखिए, ये बोला कि जो गैप्स है, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सुइटेबल ऑप्शंस कौन सी है आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आप देख रहे हो, यहाँ पे जो पैटर्न देख रहे हो, ये जो पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न में पहले इसमें पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो पहला वाला ब्लैंक्स है, पहली जो ब्लैंक्स है जहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसका चारों ऑप्शन में पहला लेटर क्या है, ए है। चारों ऑप्शन में पहला लेटर ए है, इसका मतलब इसका पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक्स प्लेस है वहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। तो अगर पहला वाला ब्लैंक्स देखिए, पहला वाला ब्लैंक में अगर ए लगता है, देखिए यहाँ पे पहला वाला ब्लैंक में हमने ए लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए बी, देखिए ए बी। ठीक है, उसके बाद एक डैश है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ना एक डैश है, यहाँ पे देखिए ये एक डैश है। ठीक है, यह डैश पे यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक डैश है, उसके बाद क्या है, बी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ बी के बाद, ये जो बी के बाद देखिए, बी और बी के बीच में क्या है, एक ए है, बी और ये जो बीच के बीच में एक ए है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक बी है और ये एक बी है। ठीक है, तो इसका बीच में क्या आएगा, एक ए आएगा। क्या आएगा, एक ए आएगा। तो इसका जो कंप्लीट पैटर्न हुआ, देखो ये जो सीरीज का कंप्लीट जो पैटर्न है वो है ए ए बी ए बी। आप इसको खुद जज करके देख सकते हैं, इसका जो कंप्लीट जो पैटर्न है कैसा है, ए ए ए बी ए बी। ठीक है, ये है। ठीक है ना दोस्त, तो चलिए ये जो पैटर्न आ गया, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल ए बी ए बी। यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं आके एक पैटर्न जो ख़त्म होगा, देखिए ए ए यहीं पे स्टार्ट होके यहीं पे ये जो बी के पास ख़त्म होगा, तो क्या होगा, ए ए बी ए बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पैटर्न इस तरह रहेगा। तो पैटर्न अगर इस तरह रहेगा तो ये 3 बार होगा, कितने बार होगा, ये होगा 3 बार, ए ए बी ए बी होगा, यहाँ पे आएगा बी, फिर देखिए यहाँ पे ये 3 टर्म होंगे, इसमें कितना टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। पैटर्न क्या रहेगा, ये रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी है, इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो है ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द वर्ड लायन इज कोडेड एज LMGJ, ये कैसे कोड किया गया है, ये जो लायन को इसमें बताया जा रहा है, द वर्ड लायन इज कोडेड एज LMGJ, हाउ इज मिल्क रिटेन इन दैट कोड। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायन को कैसे कोड किया गया, देखिए यहाँ पे इसको कैसे कोड किया गया, LMG, उसके बाद क्या किया गया, जे किया गया। ठीक है, तो मिल्क को अगले हम मिल्क को उसी हिसाब से हम कोड करेंगे। तो देखिए
तो इसको कौन से पैटर्न में किया? सबसे पहले इसमें जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, देखिए ये लाइन को पहले टोटली रिवर्स कर दिया, तो टोटली रिवर्स किया तो क्या हो गया, टोटली रिवर्स किया क्या हो गया, एन आ गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद एल हो गया। पहले इसको क्या कर दिया, टोटली रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया। उसके बाद देखिए रिवर्स होने के बाद फिर क्या किया, इसको टू स्टेप बैकवर्ड कर दिया, इसको क्या कर दिया, टू स्टेप बैक, क्या कर दिया, टू स्टेप बैक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्टेप बैक किया, तो देखिए जो एन का टू स्टेप अगर बैक जाएंगे एल आएगा, ओ का जो अगर टू स्टेप बैक जाएंगे तो एम आएगा, आई का टू स्टेप अगर बैकवर्ड बैक माने बैक पोजिशन में चले जाएंगे तो जी आएगा, और एल का टू स्टेप बैक जाएंगे तो जी आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह किया। तो फिर अगर लाइन को इसी तरह किया तो मिल्क का हमको किस तरह करना पड़ेगा, सबसे पहले मिल्क को हम रिवर्स कर देंगे टोटली, ठीक है ना, तो आएगा के एल आई एम आएगा, ये आएगा, पहले हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद मतलब ईच एंड एवरी जो अल्फ़ाबेट को हम क्या करेंगे, टू स्टेप बैक लेंगे, इसका टू स्टेप अगर बैक लेंगे, देखिए यहाँ पे के ये जो के है, के का टू स्टेप बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई मिलेगा, ठीक है, एल का टू स्टेप बैक जाएंगे तो जे मिलेगा, आई का टू स्टेप बैक जाएंगे तो हमको मिलेगा जी, एम का टू स्टेप बैक जाएंगे तो दैट इज मिलेगा के। तो आंसर कौन सा है, आई जे जी के, आई जे जी के, तो आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन जी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये थर्मामीटर इज ए टेम्परेचर एज ए कंपास टू, मतलब अगर थर्मामीटर जो है टेम्परेचर के लिए होता है तो कंपास किसके लिए होता है, ठीक है, मैं बता दूं, ये जो कंपास को इस्तेमाल करने वाले कौन है, जो हमारा जितना भी सेलर है, जितना नेविगेटिंग स्टाफ है जो सेलिंग करते हैं, या बोट वगैरह मतलब समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, जितना एयरलाइंस वाले हैं कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जितना डिफेंस सेक्टर में और जो पैरामिलिट्री सेक्टर में कंपास का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, बिकॉज इनको डायरेक्शन का जो है दिशा निर्णय करना होता है। क्योंकि देखिए दिन के टाइम पे सूरज दिखाई देते हैं, तो सूरज के हिसाब से, सूरज की पोजीशन के हिसाब से मतलब एवरीबॉडी जो है फाइंड आउट कर लेता है कौन सी डायरेक्शन कौन सा है, बट जब अंधेरा हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद कोई दिशा पता नहीं चलता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो जब कोई भी डिफेंस जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो कंपास का नाइट टाइम पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका ऑपरेशन जो है नाइट टाइम पे होता है, तो कंपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बाकी एयरलाइंस वाले या जो समुद्र के अंदर जो सेलिंग करते हैं या बोटिंग जो बोट वगैरह लेके जाते हैं, सबके लिए कंपास की ज़रूरत पड़ता है। तो इसका जो कंपास की ज़रूरत है वो है डायरेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए रोमन सेज एक, ये एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रिलेशन कौन क्या रिलेशन जो है एक दूसरे का लगता है इसमें, जो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए रोमन सेज अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये रमन एक कौन है, रमन, देखिए एक हो गया रमन, क्या हो गया, एक हो गया रमन, एक हो गया अनुज, कौन से हो गया, अनुज, ठीक है। अच्छा, रमन सेज अनुज मदर, अनुज का जो माँ है, अनुज का मदर को इधर लिखते हैं, ठीक है, अनुज का मदर ये है, ठीक है, जो अनुज का मदर है, क्या कह रहा है, जो अनुज का मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। रमन का मदर का ये हो चुकी ओनली डॉटर, ये जो रमन का जो अनुज का माँ, इसमें बोल रहा है कि जो अनुज का मदर है वो रमन का क्या है, माँ का एक ही लड़की है। तो रमन का फिर ये जो अनुज मदर के साथ क्या रिश्ता है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों क्या है, ये जो है अनुज का मदर ये है, ये रमन का माँ का एक ही लड़की है, दैट मीन्स रमन और जो अनुज का मदर है ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन, तभी पूछा जा रहा है अनुज से, मतलब अनुज जो है रमन का क्या लगता है। ठीक है, अगर ये दोनों भाई बहन है और ये जो अनुज इसका लड़का है, अनुज किसका लड़का है, इसका लड़का है, और ये दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब ये जो है अनुज जो है किसका, रमन का भतीजा है, क्या है जो है भांजा है इसका, ये उसका मामा है,
ये उसका मामा है, ठीक है, ये मैटरनल अंकल है। रमन क्या है, अनुज का मैटरनल अंकल है, माँ का, ये माँ का भाई है तो मैटरनल अंकल है। तो उसी हिसाब से जो अनुज जो है रमन का क्या है, नेफ्यू है। राइट आंसर कौन सी है, नेफ्यू आई थिंक, सारे लोग समझ गए होंगे। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, एक आदमी का, उसने उसका चित्र को देखा, उसका छवि को देखा, मान लो ये है मैन, ठीक है, मैन का जो छवि है ये क्या है, मैन, ठीक है। मोहन सेट, उसके बाद ये जो आदमी का छवि को देखकर, जो मैन जहाँ पे मैन का छवि है, ठीक है, मोहन सेट हिज मदर, यहाँ पे देखिए मोहन, हम मोहन ले लिया, मोहन, ठीक है। मोहन सेट हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें मोहन क्या बोल रहा है, ये मोहन है, मोहन एक कंडीशन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर। उसका पहला टर्म को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है मोहन क्या बोल रहा है, मोहन सेड हिज मदर, माने ये जो चित्र को दिखाकर, ये जो चित्र में जो मैन है, ये जो मैन है इसका जो मदर है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, मतलब माई फादर्स सन, मेरा पिता का जो लड़का है उसका वाइफ है। ये जो चित्र में, ये जो मैन है इसका जो माँ है, ये चित्र में दिया गया, मतलब इसका जो मदर है, यहाँ पे देखिए इसका मदर, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है उसका मदर, ठीक है, ये है इसका मदर, ठीक है, ये चित्र में दिया गया मैन, ये उसका मदर, ये हो गया मोहन। मोहन कहता है ये जो चित्र में जो लड़का है, जो मैन है, उसका जो माँ है, मतलब उसका जो मदर है वो मेरा पिताजी का सन का वाइफ है, मेरा पिताजी का सन का वाइफ। आगे क्या बोल रहा है, इसके हिसाब से मोहन का रिश्ता क्या होना चाहिए, ये जो मदर के साथ, नहीं, जो मेंस का मदर के साथ क्या होना चाहिए था, भाभी होना चाहिए था। बट अगेन उसमें शो कर रहा है जो आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, जो मोहन का कोई भाई नहीं है और उसका फादर का लड़का कौन है, खुद ही मोहन है, उसका बाप का एक ही लड़का है, उसमें कोई भाई बहन नहीं है। तो उसका जो फादर का सन का वाइफ वो कौन है, ये जो मैन का जो मदर है, ये जो मदर है ये मोहन का क्या है, वाइफ है, क्योंकि मोहन का और कोई भाई नहीं है, तो फादर्स का एक ही सन जो है वो है मोहन। तो ये हो गया मोहन का वाइफ हो गया, ठीक है, और ये उसका मदर, ये जो है मैन, ये जो चित्र में दिया गया जो मैन का, ये हो गया मदर, ठीक है। अभी पूछ रहा है एट होच पोर्ट्रेट वाज मोहन लुकिंग, तो अभी ये बताओ जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र में दिया गया है, वाज मोहन लुकिंग, उसका उनके बीच में क्या मतलब रिश्ता है, ये जो पोर्ट्रेट मैन है इनके बीच में क्या रिलेशन है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अभी, ठीक है, ये है हिज सन, ये जो पोर्ट्रेट मैन है ये मोहन का सन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, इसको मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा पहले कन्फ्यूज कर दिया, मेरा पिताजी का लड़का का वाइफ है, ये जो चित्र में दिया गया मैन का जो मदर है वो मेरा पिताजी का लड़का का वाइफ है। सेकंड जो मैं बोल रहा है, मेरा पिताजी का कोई लड़का लड़की नहीं है, मैं अकेला ही लड़का हूँ। जब लड़का लड़की और दूसरा नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अकेला लड़का हूँ। तो मोहन जब अकेला लड़का है, उसका वाइफ कौन है, यही है मदर, ये जो चित्र, जो पोर्ट्रेट मैन का जो मदर है ये मोहन का वाइफ है। तो अभी मोहन का पोर्ट्रेट मैन का क्या रिश्ता है ना, ये जो है जो पोर्ट्रेट मैन है ये मोहन का सन है, तो ये आंसर होगा हिज सन इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग टू एन इमेज, मान लो यहाँ पे हम एक इमेज मान लेते हैं एक इमेज है, मधु टेल्स सोहन, यहाँ पे देखिए मधु ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया सोहन, क्या हो गया सोहन, ठीक है। देखिए ये हो गया जो इमेज है, ये क्या है, इमेज है, ये मधु है, ये सोहन है। एक इमेज को दिखाकर मधु टेल सोहन, मधु क्या सोहन को बोल रहा है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मधु क्या कह रहा है, ये जो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ये जो चित्र में यह लेडी कौन सी है, यह लेडी, ये चित्र में जिसका चित्र दिखा रहे हैं वो है लेडी। मधु सोहन को कहता है, ये जो मधु सोहन को कह रहा है, आई एम, मधु कह रहा है मैं जो है इस लेडी का क्या है,
मैं ओनली डॉटर हूँ। तो ये लेडी का ये डॉटर है, ये लेडी का ये जो मधु जो है डॉटर है। ये मधु एक ये बात किसको कह रहा है, सोन को कह रहा है। ओके यहाँ पे नेक्स्ट चलिए। एंड हार सन, एंड हार सन मतलब ये जो लेडी का सन है, ये लेडी का जो सन है, ये देखिए लेडी का मान लो यहाँ लेते हैं उसका सन, ठीक है। लेडी का जो सन है इज योर मैटरनल अंकल। ये जो लेडी का यहाँ पे हम क्या ले लिया, सन। ये लेडी का ये हो गया मधु, हो गया डॉटर, यहाँ पे उसका सन ले लिया। ये जो लेडी का जो सन है योर मतलब सोहन का, योर मतलब सोहन का, सोहन का ये जो सन है ये है मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब माँ का भाई, ठीक है, माँ का भाई। अगर ये सोहन का ये जो सन है, लेडी का जो सन, ये सोहन का, सोहन का अगर मैटरनल अंकल होता है, माँ का भाई होता है, इसका मतलब मधु और ये जो सन है दोनों भाई बहन है। ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। ओके देखिए ये उसका, क्योंकि देखिए लेडी का ये हो गया सन, लेडी का ये हो गया डॉटर। और सोहन क्या होता है, सोहन जब इसका मैटरनल अंकल है, सोहन ना सॉरी जो सन है, लेडी का जो सन है सोहन का जब मैटरनल अंकल है, दैट मीन्स जो है ये जो सन और मधु जो है इस लेडी का लड़का और लड़की, और सोहन जो है, सोहन ये जो मधु है वो है, मधु है वो है सोहन का मदर। सोहन का मधु जो है ये किसका मदर है, ये मदर है, ये क्या है, मदर है किसका, सोहन का, ठीक है। ये उसका मामा है, ठीक है, और ये उसका मदर है, ठीक है ना। अभी देखिए पूछा गया है हाउ इज मधु रिलेटेड टू सोहन्स फादर। इसमें पूछा गया है हाउ इज मधु रिलेटेड टू सोहन्स फादर। जो सोहन रो फादर रो मधु क्या लगेंगे, जब ये सोहन जब मधु का लड़का है, ये जो सोहन है ये मधु का लड़का है, तो सोहन का फादर का, इसमें पूछा गया जो सोहन का फादर होंगे वो मधु का क्या लगेंगे, मधु उनका क्या होगा, ये सोहन का फादर का मधु क्या होगा, वाइफ होगा, क्या होगा, वाइफ, ठीक है। ये है लेडी, ठीक है, इनका सोन, ये है मधु उनका डॉटर, ये सोन उसका भतीजा, ठीक है, और मधु का लड़का। जब मधु का लड़का सोन हो गया तो जो मधु जो है सोहन का पिताजी का वाइफ लगेंगे। तो आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग थोड़ी सी इसको इसमें मतलब ज़्यादा डाउट में नहीं पड़िएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है बहुत टाइम पे बच्चे जो है गलत कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आस्थमा, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिया है, जैसे आस्थमा लंग्स, आस्थमा ये जो आस्थमा एक बीमारी डिजीज है, ये लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स में होता है, लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया है ये कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस इसमें जो खास करके हमारा थोड़ा आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत होता है, जो इंग्लिश टर्म में जो कंजक्टिवाइस जो कंजक्टिवाइटिस है, ये आंख पकड़ना, जैसे हम नहीं बोलते हैं ये तुम्हारा आंख निकला हुआ है गगल लगाओ, ठीक है, नहीं तो आंख जो है जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कंजक्टिवाइटिस दैट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, वो एक से दूसरे को फैल जाता है। अगर हम उसका आंख में देख लेंगे, उसके आसपास में आ जाएंगे तो वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक दूसरे को एक से एक को छोड़ के दूसरे के पास फैल जाता है। तो दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए सभी बोलते हैं गोगल पहनो और डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये है आपका आई का डिजीज है, ये आँख में होता है, जैसे अस्थमा है वो लंग्स में होता है, कंजक्टिवाइटिस ऐसे आँख के अंदर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे देखिए ओबे का इसका डेपी के साथ इसको मतलब सिमिलर किया, मतलब इसको एक पेयर ऑफ वर्ड बनाया हुआ है, तो वर्ड के साथ उसी हिसाब से इसका पेयर ऑफ वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है, जो ओबे जो वर्ड है, ओबे का जो डेपी जो है ये क्या है, एंटोनिम है, क्या है, एंटोनिम वर्ड है। ये जो ओबे का एंटोनिम वर्ड क्या है, डेपी, मतलब ओबे मतलब मानना, ठीक है, मानना, इसमें ये और डेपी जो होता है नहीं मानना, ये तो उसका एंटोनिम वर्ड है। ऐसे ही मतलब जिसको हम मतलब अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही उसका वार के साथ कौन सा पैर रहेगा, जैसे वार के साथ क्या होगा, काम करना, इसके साथ क्या हो जाएगा, रेस्ट, इसका पैर ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए, इन ए सर्टन कोड फायर इज कोडेड एज डीजीपीसी। जो फायर है
वो किस तरह कोडेड हुआ है, जो फायर है वो किस तरह कोडेड हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर जो कोडेड हुआ है कैसे, DGPC, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका फायर का जो पहला अल्फाबेट F है इसको कोड किया है DGPC, यह किसका पहला अल्फाबेट क्या D है, इसका मतलब रिवर्स हुआ है, इसको क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है, ठीक है। तो रिवर्स किया गया तो इसको देखना पड़ेगा कितने स्टेप रिवर्स किया गया है। देखिए यहाँ पे इसका पहला जो अल्फाबेट F है इसका पहला अल्फाबेट D में रिवर्स किया हुआ है, तो मतलब 2 स्टेप, इसका हर लेटर जो है आप देख लो IRE को 2 स्टेप बैकवर्ड कर दिया गया, क्या कर दिया गया है 2 स्टेप बैकवर्ड कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। अगर हम ये जो शॉर्ट वर्ड दिया है, एक वर्ड दिया है शॉर्ट दिया है, इसको अगर हम कोडेड करते हैं, मतलब इसी पैटर्न में अगर हम कोडेड करते हैं, जो शॉर्ट वर्ड को अगर हम कोडेड कर देते हैं, तो कोडेड करने के बाद उसका जो लास्ट लेटर आएगा, इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड शॉर्ट, शॉर्ट का लास्ट लेटर अल्फाबेट जो क्या होगा। तो इसका देखिए, इसका लास्ट लेटर क्या है, शॉर्ट का लास्ट लेटर जो टी है, टी का 2 स्टेप हम बैक जाएंगे, 2 स्टेप अगर हम बैक जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आर, ठीक है। इसका वो पूछ रहा है जो शॉर्ट का जो लास्ट लेटर है उसको अगर इसी ढंग से हम कोडेड करते हैं तो उसको कैसे, कौन से लेटर से कोड करेंगे। तो टी का 2 स्टेप अगर बैक जाते हैं RST 2 स्टेप बैकवर्ड है, आर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे टूर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, टूर है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इफ टूर इज रिटेन इन ए सर्टन कोड, इफ टूर इज रिटेन एज सर्टन कोड 1, 2, 3, 4 एंड क्लियर एज 5, 6, 7, 8 एंड स्पेयर्स जो है 90847, व्हाट विल बी द, इसमें पूछा है देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो, व्हाट विल बी द 5th digit फॉर स्कल्पचर इन द सेम कोड, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें जो एक वर्ड दिया है, क्या दिया है, स्कल्पचर। यहाँ देखिए ये जो स्कल्पचर का 5th digit क्या होगा, 5th digit जो है क्या रहेगा। तो इसका फिफ्थ पोजीशन में जो अल्फाबेट है दैट इज पी, ये देख सकते हैं फिफ्थ पोजीशन में जो अल्फाबेट है पी, वहाँ पे कौन सी डिजिट बैठेगा, ठीक है। देखो टोर को कैसे किया कोड 1, 2, 3, 4 कर दिया, क्लियर में कैसे किया 5, 6, 7, 8, 4। देखिए टूर को जब किया T41, ये देखिए T41, O42, U43, R4 क्या किया, 4 कर दिया, ठीक है। ऐसे क्लियर का भी किया है, क्लियर का भी सेम एडजेक्टिव हुआ है, तो उसी हिसाब से क्लियर को भी कोड किया है और स्पेयर को भी कोड किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये पूछ रहे जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर का जो फिफ्थ अल्फाबेट क्या है, पी है, इसका फिफ्थ अल्फाबेट क्या है, पी है, ठीक है। अच्छा ये पी का कौन सा डिजिट रहेगा, ये फिफ्थ पोजिशन में है, वो जो फिफ्थ डिजिट जो है, मतलब अगर इसको हम इसी तरह कोड करते हैं, इसी तरह अगर कोड करते हैं, ये कोड में है, इसको अगर डिजिट वाला कोड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो स्कल्पचर का जो पी है, फिफ्थ जो पोजीशन है, उसका कोड में क्या रहेगा, कौन सी डिजिट जो है रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल जो क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेयर को ध्यान देके देखो, इसमें पी है, देखो S4 9, अच्छा P4 क्या है, यहाँ देखो 0, P4 देखो क्या है 0, तो यहाँ पे P4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो स्कल्पचर में है जहाँ पे P रहेगा, P का पोजीशन में हम जब कोडिंग करेंगे, उसको डिजिट में कोडिंग करेंगे, तो P के जगह पे 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे देखिए इफ द समर इज कोडेड एज रनर, द कोड फॉर विंटर इज कोडेड कैसे किया जाएगा। इसमें पूछा गया है जो समर है, यहाँ देखिए जो समर है, यहाँ पे जो समर है इसको किस तरह कोड किया गया है, रनर इस तरह कोड किया गया है, और ये देखिए इस उसी हिसाब से उसी पैटर्न में हम विंटर को कैसे कोड कर सकते हैं, जो कोड करेंगे इन ऑप्शन में से कैसे होगा, कौन सी होगा, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए इसका जो पहला लेटर समर में जो पहला लेटर दैट इज एस, इसका रनर का जो पहला लेटर है वो आर, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पहला लेटर जो है क्या हुआ, रिवर्स हुआ है, ठीक है। पहला लेटर जो क्या हुआ, रिवर्स हुआ है ना। अच्छा आर देखो कितना स्टेप रिवर्स हुआ, 1 स्टेप, ये देखिए यहाँ पे समर में एस है, यहाँ पे आर है,
जब कोड किया तो वन स्टेप रिवर्स हुआ। उसके बाद सेकंड चीज़ें देखो, जो यहाँ पे समर में यू है इसमें भी यू है, मतलब सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो सेम रहेगा, सेकंड अल्फ़ाबेट क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक ओके। इसके बाद जो थर्ड और थर्ड अल्फ़ाबेट देखो एम है, थर्ड अल्फ़ाबेट एम को ये इधर एन हो गया, यह इधर क्या हो गया एन हो गया, मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड हो गया, एम के बाद एन आता है वन स्टेप फॉरवर्ड। उसके बाद देखो फोर्थ जो अल्फ़ाबेट है, फोर्थ अल्फ़ाबेट देखिए फिर एम था इधर एन हो गया, ये मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड हुआ, वन स्टेप फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद देखिए इसका जो लास्ट दो लेटर है ई आर, लास्ट दो लेटर है इधर, इसमें भी दो लास्ट लेटर जो है ई आर है, ये बिल्कुल सेम रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो वो पैटर्न को समझ गए, समर को जब रनर में किया जो पहला एस जो है, पहला एस जब रनर जो कोड किया तो पहला एस का जब हम कोड किया रनर में कन्वर्ट किया तो पहला लेटर जो वन स्टेप बैकवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड गया। उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट सेम ही रहा, थर्ड और फोर्थ अल्फ़ाबेट दोनों वन स्टेप फॉरवर्ड, थर्ड और फोर्थ अल्फ़ाबेट दोनों वन वन स्टेप फॉरवर्ड, और लास्ट में जो ईआर है वो ईआर ऐसे ही रहेगा। तो उसी हिसाब से देखिए इसका पहला लेटर क्या है डब्लू, डब्लू का हम वन स्टेप बैकवर्ड जाएंगे, डब्लू का अगर हम वन स्टेप बैकवर्ड जाते हैं तो क्या हो जाएगा बी, क्या होगा बी। इसका देखिए जो समर का यू था, ये यू था इधर भी यू था, मतलब सेकंड जो अल्फाबेट सेम रहेगा, इसका मतलब आई जो है आई को ऐसे रहेगा आई रहेगा। उसके बाद जो उसका जो देखो ये जो एम एम था दोनों, इसको एन एन हो गया, मतलब वन वन स्टेप फॉरवर्ड था, वन वन जो थर्ड लेटर और फोर्थ अल्फाबेट जो थे समर में वो जब कोडेड किए तो वन वन स्टेप फॉरवर्ड हुआ। तो एन का वन स्टेप फॉरवर्ड, एन का वन स्टेप फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एन का वन स्टेप फॉरवर्ड, ये जो एन का वन स्टेप फॉरवर्ड क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, टी का वन स्टेप फॉरवर्ड, टी का वन स्टेप फॉरवर्ड जो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू। उसके बाद ई आर जो लास्ट दो डिजिट है वो सेम रहेंगे। तो ठीक है, तो ये इसको अगर हम इन्हीं पैटर्न में करते हैं, इन्हीं पैटर्न में अगर करते हैं तो क्या होगा विंटर का जो कोडेड कैसे होगा बी आई वो यू है वो यू ई आर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इफ माइंड बिकम्स केजीएलबी, यहाँ पे जो माइंड बिकम्स केजीएलबी एंड आरक्यू बिकम्स वाईपी ईएससी देन व्हाट विल बी डायग्राम बी इन दैट कोड। अगर उसी पैटर्न में करेंगे देखो, जो केबी केजीएलबी के यहाँ पे देखिए माइंड जो एम आई एन डी को कैसे कर दिया केजीएलबी, और यहाँ पे जो आरक्यू है आरक्यू को क्या किया उसको कोड कर दिया वाई पी ई एस सी। तो उसी हिसाब से डायग्राम का कोड क्या होगा, डायग्राम का कोड क्या होगा, सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं, इसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में इसको किया है। देखिए ये जो माइंड में माइंड माइंड में जो के जी एल बी हुआ है, पहले इसको माइंड लिखो, देखो इसमें माइंड लिखा एन आई डी, इसको कोड कैसे किया इस तरफ हम लेते हैं क्योंकि ये बैकवर्ड हुआ है, कैसे हुआ है देखिए ये कैसे के जी एल बी, ठीक है। इसको उसने क्या किया माइंड को इस तरह कोड किया, इस तरह कोड किया मतलब बैक आया, देखो ये कितना स्टेप के एल एम, ये देखो पहले माइंड को एम का जो एल लेटर है इसको टू स्टेप बैक जाके के लिखा, ठीक है। एन का टू स्टेप बैक जाके के लिखा जी, सॉरी आई 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 का टू स्टेप बैक जाके जी लिखा, एन का टू स्टेप बैक जाके एल एल हुआ, डी का टू स्टेप बैक जाने से बी आता है, ठीक है। तो इसको जब कोड किया के जी एल बी, माइंड को कैसे कोड किया के जी एल बी, मतलब टू स्टेप बैकवर्ड, टू स्टेप बैकवर्ड गया, टू स्टेप बैकवर्ड जाके उन्होंने किया है, ठीक है। ऐसे ही सेम ऐसे ही देखो जो आरक्यू है, आरक्यू को इसको भी टू स्टेप बैकवर्ड जाके क्या किया ये हुआ है वाई पी ई एस सी, टू स्टेप बैकवर्ड जाके किया। अभी कुछ बच्चे डाउट में पड़ेंगे आरक्यू का पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है ए है, ये वाई कैसे हो गया, इसका पहला लेटर जो कोड किया गया जब लेटर जब देखिए ए, ए से पहले आप बोलोगे ए से पहले तो कुछ है नहीं, ए के बाद बी होता है सी होता है डी होता है, लेकिन आपको पता होगा ए से जो हमारा अल्फाबेट है लास्ट जेड में जेड तक होता है, ठीक है जेड तक होता है, ठीक है। इसका जब रिवर्स जाएगा, इसका जब रिवर्स जाएगा क्या होगा, जैसे वाई जेड होता है ए से शुरू होकर वाई जेड होता है, जब रिवर्स जाएगा तो कैसे जाएगा ऐसे देखो ए से फिर जेड आएगा, जेड आके वाई आएगा, अगर टू स्टेप देखिए वन स्टेप ये टू स्टेप तो वाई हो गया, ठीक है। ए में अगर टू स्टेप बैक जाना है, अगर वन स्टेप बैक जाना है जेड होगा, टू स्टेप बैक जाना है तो वाई होगा। तो उसी हिसाब से जो डायग्राम है, डायग्राम का अगर हर लेटर का हम टू स्टेप बैक जाएंगे, टू स्टेप बैक जाएंगे तो किस तरह होगा देखिए, डी का अगर टू स्टेप बैक जाते हैं बी होगा,
आई का अगर टू स्टेप भी जाते हैं, आई आई का टू स्टेप जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। एक ए का टू स्टेप जैसे ए का यहाँ पे दिखाया था, ए का यहाँ दिखाया, टू स्टेप बैक जाएंगे तो क्या होगा वाई होगा। जी का टू स्टेप बैक जाएंगे, जी का अगर हम टू स्टेप बैक जाएंगे तो आपको क्या होगा टू स्टेप बैक ई क्या हो जाएगा। देखिए ए का वाई हो गया, अच्छा जी ई एफ जी तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। आर का टू स्टेप बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर का टू स्टेप बैक तो पी हो जाएगा, है ना, पी क्यू आर पी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ए का टू स्टेप बैक फिर आ गया, इधर वाई हो जाएगा, एम का टू स्टेप बैक जब क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो आंसर कौन सी होगा ये देखिए, BJYEP BJYEP YK। तो इसका मतलब ये देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इन सर्टेन लैंग्वेज प्रैक्टिस इज कोडेड एज, ये देखिए प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस को कैसे कोड किया गया है, प्रैक्टिस को कैसे कोड किया गया है, तो उसी हिसाब से हाउ इज फ्लेम कोडेड इन दैट कोड, तो फ्लेम को हम किस तरह से कोड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले जैसे मैंने ये फ्लेम्स को यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस को कैसे किया है, देखिए इसका जो पहला लेटर है, इसका पहला लेटर देखिए यहाँ पे पहला लेटर पी है, कोई चेंजेस नहीं है। इसका जो लास्ट लेटर है, इसका लास्ट लेटर भी वही है, कोई चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ये दोनों लेटर रहेंगे फ्लेम्स का, ये दोनों सेम रहेंगे, इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जो है दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए इसका जो फर्स्ट और सेकेंड, इसका जो फर्स्ट और सेकेंड ना सॉरी इसका जो सेकेंड और थर्ड देखिए आ रहे, और जो लास्ट सेकेंड और थर्ड, ये देखिए लास्ट सेकेंड और थर्ड, लास्ट सेकेंड और थर्ड में लास्ट की तरफ फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द टॉप मोस्ट राइट, राइट साइड में आई सी जो है ये मतलब आ रहे, जो यह आ रहे की जगह पे आ गया, यहाँ पे देखो आई सी आ चुका है, आई सी जो है आ रहे की जगह पे आ गया, और आ रहे आई सी की जगह पे चला गया, कहाँ चला गया आई सी की जगह पे चला गया, ठीक है। और बीच में दो जो सिटी है वो है कांस्टेंट, बीच में जो दो सिटी है बिल्कुल उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो उसी हिसाब से देखिए इसका जो पहला जो सेकेंड और थर्ड जो दोनों लेटर है वो कहाँ चला जाएंगे, लास्ट सेकेंड और थर्ड कौन है, लास्ट से देखिए ये हो गया लास्ट से सेकेंड और थर्ड, ये दोनों हो गए फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड, ये दोनों हो गए, ये दोनों अपना प्लेस क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो ये पहला आ जाएगा, ये M E पहला आ गया, और ये दोनों उसकी जगह पे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे इसकी जगह पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा LA। तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया FMELS FMELAS, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देके आप लोग करिएगा, ठीक है, ताकि काफ़ी जो है आप लोगों को परेशानी ना हो, थोड़ा प्रैक्टिस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया था प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको आसान रहेगा, हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा ये जो क्वेश्चन है बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है, जैसे नोएडा है, नोएडा को OPJEB मतलब ये देखिए सारे वन स्टेप फॉरवर्ड है, नोएडा को क्या कर दिया, जैसे एन था वो हो गया, वो को पी कर दिया, तो सारे जो है वन स्टेप फॉरवर्ड है। उसी हिसाब से दिल्ली को कैसे कोड किया जाएगा, तो दिल्ली का वन स्टेप फॉरवर्ड कर लेना, डी का वन स्टेप फॉरवर्ड है ई का वन स्टेप फॉरवर्ड क्या हो जाएगा एफ, एल का एम, एच का आई, आई का जे, तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, देखिए EFMIJ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करने वाला है, तो मैं आपको इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये कैट को कैसे लिखा है, जैसे देखिए कैट पहले ये कैट है, कैट को उन्होंने कैसे कोड किया, PATC ऐसे कोड कर दिया उसने, देखिए जब कैट को कोड किया तो पी को क्या कर दिया कोडेड करने के लिए एज ए मतलब इन एडिशन एक जो है चीज़ें ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला लेटर यहाँ देखिए सी, ये कहाँ चला गया लास्ट में चला गया, बाकी 80 दोनों पी के बाद रह गए, ये दोनों 80 जो है ये पी के बाद रह गए, ठीक है। सिमिलरली देखो जो जॉय, यहाँ पे देखो जॉय को क्या कर दिया, जॉय को कैसे किया, जॉय ये जॉय है, जॉय को कैसे किया,
इसको देखो, पी एक एडिशनल लेटर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं पी एडिशनल लेटर दिया है। इसका जो पहला लेटर ये लास्ट में चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। जो जे था पहला लेटर, ये लास्ट में चला गया, तो इसको लास्ट में रख देते हैं। ओ वाई जो है वो ऐसे ही रहेगा, ओ वाई ये लास्ट लेटर, सॉरी इसमें इसमें क्या है, इसका जो पहला लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा, दैट इज जे, ठीक है। और बीच वाली लेटर ओ वाई वो ऐसे ही ओ वाई रहेगा। तो इसका जो इसको कैसे कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो पी ओ वाई जे, ठीक है। उसी हिसाब से देखिए, अभी हमको विंग को कोडेट करना है, तो कोडेट करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले ये दोनों का क्या लिया था, एक पी इन एडिशनल लेटर लिया था, तो हम भी एक पी एडिशनल लेटर लेंगे। और जो सबसे जो पहला लेटर है ये लास्ट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। बाकी जो तीनों लेटर है ये यहाँ पे हो जाएंगे, पी एन जी। तो कैसे कोड हो गया, पी आई एन जी डब्ल्यू, पी आई पी आई पी आई एन जी डब्ल्यू, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसको मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें सीरीज दिया 6, 11, 21, 36 और 56 का सीरीज दिया हुआ है। द नंबर्स कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इज गिवेन इन द सीरीज, इसमें पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क की जो सीरीज में क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे कौन सी नंबर इनमें से आएगा, इनमें से आएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, या जो टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा, शायद किसी बच्चे को ना आए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। मेरे को कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी जो एस्पिरेंट अगर मान लो इसको समझ में नहीं आता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करूँगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग सवाल है, यहाँ पे देखिए ये पिंक इज कोडेड, ये देखिए पिंक कैसे कोडेड हुआ, 6, 1691411 देन द रेड विल बी कोडेड एज। तो रेड कैसे, रेड को हम अगर कोडेड करेंगे तो कैसे होगा, इधर देखो पिंक को कैसे लिखा, ये पिंक, पिंक को कैसे लिखा इसने, देखिए कैसे लिखा, 1691411, ठीक है, ऐसे ही कोड किया है। तो अभी ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्लेस जो है ना, प्लेस नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। प्लेस नंबर क्या है, जो हमारे जितने भी अल्फाबेट है ए टू जेड, ए का जो पोजिशन क्या है, 1, ए का जो प्लेस है वो 1 फर्स्ट है ना, बी किस कौन सी प्लेस में है, सेकंड पोजिशन में, तो बी का क्या होगा, 2, उसको अगर कोडेड किया जाएगा 2 के हिसाब से किया जाएगा, सी को 3 के हिसाब से कोडेड किया जाएगा, उसी हिसाब से इसको कोडेड किया गया है। तो पी का जो पोजिशन है ए टू जेड जो अल्फाबेट में पोजिशन है वो 16th पोजिशन में, आई का जो है 9 पोजिशन में, एन जो है आपका 14 पोजिशन में, एन जो है 14 पोजिशन में, के जो है आपका 11 पोजिशन में। तो उसी हिसाब से अगर हम रेड को अगर डिकोड करते हैं, जो रेड है आर है, आर का पोजिशन कितना है 18, आप काउंट करके देख सकते हैं। ई का जो पोजिशन है कितना है, ई का हो गया 5, ए बी सी डी ई ये है 5, डी का पोजिशन कितना है 4। तो इसका अगर हम इसी पैटर्न में इसको कोड करते हैं तो इसका आंसर होगा 1854, देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी इजी सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे मेरा क्वेश्चन जो है ख़त्म होगा। यहाँ पे हमको एक जो सुइटेबल जो एक वर्ड चूज करना पड़ेगा इन्हीं ऑप्शन में से, जैसे ड्रामा स्टेज इसमें दिया हुआ है, एक पेयर ऑफ वर्ड दिया ड्रामा स्टेज, ऐसे टेनिस क्या होगा, टेनिस का क्या रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए, टेनिस जो है नेट में तो नहीं होता है, टूर्नामेंट टेनिस का नहीं, हाँ ठीक है, इसमें नहीं होगा। देखिए इसमें होगा नहीं, मतलब मेरी मतलब यहाँ पे जिस हिसाब से पेयर किया है, जैसे ड्रामा को कहाँ पे किया जाता है, स्टेज के ऊपर किया जाता है, ड्रामा को स्टेज के ऊपर, इसका मीनिंग और सिमिलरिटी को समझने की कोशिश कीजिए, ड्रामा को स्टेज के ऊपर किया जाता है, उसी हिसाब से टेनिस को कहाँ किया जाता है, टेनिस को कहाँ करा जाता है, कोर्ट में टेनिस कहाँ प्ले किया जाता है, ड्रामा प्ले की जाती है स्टेज के ऊपर, उसी हिसाब से टेनिस को प्ले की जाती है कोर्ट में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ आज की जो मेरा टॉपिक है यहीं पे क्लोज होता है। जो पार्ट 3, जो रीजनिंग पार्ट 3, मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा, और मतलब उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा।
तो सभी जितना भी जो एस्पिरेंट है, सभी व्यूअर्स से मेरा आखिर में यही निवेदन रहेगा, आप लोग जो है काफ़ी मेहनत कीजिए, काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ जैसे कि मैं जानता हूँ, अगर प्रैक्टिस जो बच्चा ने किया है कभी वो उसने फेलियर नहीं हुआ, जो मैक्सिमम प्रैक्टिस किया है एग्ज़ाम में उसको आसान ही रहा है और सक्सेस भी उसका हाथ में रहा है। उसके साथ मैं वीडियो कहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।